हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं एक मज़ेदार चिकन करी जो कि कुकर में बनता है और बहुत आसान है। जो भी आप झंझट लेते हैं बनाने के लिए जो चिकन करी, उसमें कुछ झंझट नहीं है। टोटल सारा जो नमक वगैरह हो गया कि चिकन हो गया और प्याज लहसुन सब डाल के मैं सिटी उसमें लगा दिया हूँ और इस टाइप का चिकन आया है। देखिए क्या क्या करना है आपको, मैं पूरा मेथड बताता हूँ। पहले तो नमक के पानी में इसको पूरा अच्छे से रब करके चिकन को धो लेना है, पूरा अच्छे तरह से उसको धो लेंगे। नमक यूज करने से क्या होता है दोस्तों कि ये अच्छे तरह से साफ़ होता है। आप करके देखिए, बहुत ही साफ, अच्छे तरह से साफ होता है। तो आप इस टाइप का आप पूरा रगड़ के धो लेंगे। और धोने के बाद क्या करेंगे, जो भी बड़ा बड़ा पीसेस है, जो कि लेग पीस हो गया, कि उसको पूरा उसका ऐसे चीरा लगाना है, क्योंकि जो भी हम मसाला देंगे तो उसका अंदर तक जाएगा, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। और कुछ आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगा, हो गया। अभी ऐसे प्याज को हम उसका रूट निकाल के अभी चार पीस में भाग करेंगे इसको, ऐसे चार पीस में कर लेंगे। मैं तीन प्याज यूज किया हूँ, एक किलो चिकन में पूरा तीन प्याज यूज किया हूँ, ज़्यादा नहीं, बड़ा बड़ा प्याज थोड़ा था इसे तीन। तो अभी हम चार हरी मिर्च लिए हैं, इसको ऐसे दो भाग में ऐसे भाग कर लेंगे, बस हो गया, और कुछ नहीं चाहिए इसको। और लहसुन आप देख रहे हैं, लहसुन भी ऐसे मैं साबुत छील लिया हूँ। अब ये 15 से 20 कली लहसुन होगा, थोड़ा ज़्यादा यूज किया हूँ लहसुन में, तो उतना ही काम करना है और कुछ काम करना नहीं है। और देखिए, एक दो टमाटर लिया हूँ बड़ा साइज का, और ऐसे उसका रूट बस निकाल लिया हूँ, और उसका एक टमाटर का मैं चार हिस्से में उसको भाग कर दिया हूँ, बस उतना ही काम है। देखिए फिर इसका रूट क्यों निकालते हैं जानते हैं? इसका रूट निकालते हैं क्योंकि ये गलता नहीं है, इसीलिए इसका रूट थोड़ा निकालना पड़ता है। तो ऐसे इसको भाग कर देंगे, देखिए चार हिस्से में। अभी आपके जो भी पास कुकर है आपके, वो ले लेंगे और उसमें मस्टर्ड ऑयल मस्ट है दोस्तों, मस्टर्ड ऑयल यूज करेंगे, आपका बहुत अच्छा लगेगा। तो उसमें क्या करेंगे, ऊपर से थोड़ा सा जीरा ले लेंगे, थोड़ा सा जीरा, और टोटल जो है हमारा अभी सब डाल देंगे। देखिए अभी लहसुन आ गया, लहसुन के बाद हमारा मिर्ची आ जाता है, उसमें मिर्ची आ गया, लहसुन को थोड़ा ऐसे हिला लेंगे और ऊपर से मिर्ची और हमारा प्याज दोनों आराम से हम डाल देंगे। देखिए मिर्ची डाल देंगे और उसमें हमारा प्याज भी डाल देंगे, और इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट ऐसे थोड़ा उसका अंदर तक खाली ऑयल जाना चाहिए बस, और वो थोड़ा फिर जाना चाहिए, जो गांठ बांध के रखा है तो फिर जाना चाहिए, बस इतना ही काम करना है। और उसमें हम क्या करेंगे, सब डाल देंगे। अभी चिकन डाल देंगे, चिकन जाने के बाद अभी चिकन सारा जो हम धो के रखे थे हम सब चिकन दे देंगे इसमें, और जो हम टमाटर काट के रखे थे तो उसको भी डाल देंगे, टमाटर को भी सारा हम डाल देंगे उसमें। और इसमें जाएगा अभी देखिए क्या, नमक, नमक मस्ट है, हम जैसे भी हो उसमें स्वाद अनुसार नमक दे देंगे। जीरा पाउडर दिया हूँ अभी, और वो जो लाल मिर्ची का पाउडर और कश्मीरी मिर्ची का पाउडर, बस उतना ही दिया हूँ, और हल्दी पाउडर और अदरक जो हम कद्दूकस करके रखे थे उसको भी दिया हूँ, लेकिन ये कैमरा में नहीं दिखाया, वो अदरक भी इसमें गया था, इसको भूल गया मैं दिखाने के लिए। आप अदरक 1 इंच का टुकड़ा ज़रूर देंगे। अभी इसको 3 सीटी आएगा दोस्तों, 3 सीटी इसको मारना है हाई फ्लेम में, 3 सीटी। तो अभी देखिए इस टाइप का आ जाएगा आपका प्रोडक्ट, देखिए बन के। अभी ये पूरा फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, फाइनल रेडी नहीं हुआ है, उसमें और एक काम है। इसको क्या करना है, आपको जो चिकन मसाला आपको देना है, अभी मैं पहले चिकन मसाला नहीं दिया था, अभी इसमें चिकन मसाला जाएगा, थोड़ा ज़्यादा जाएगा क्योंकि इसका ही फ्लेवर ज़्यादा आता है। तो थोड़ा चिकन मसाला, थोड़ा धनिया पाउडर, और क्या करेंगे, थोड़ा गरम मसाला अभी इसमें इस वक्त जाएगा। अभी थोड़ा सा अभी हम इसको ऐसे मिला लेंगे, अच्छे तरह से मिला के इसको क्या करेंगे, हम मीडियम से लो फ्लेम में, मीडियम लो फ्लेम में इसको हम पूरा 10 मिनट, 5-7 मिनट से 10 मिनट तक ऐसे दे देंगे। और ऊपर से आपका कस्तूरी मेथी,
कस्तूर में से मेथी ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, और धनिया पाउडर भी आप बाद में निकालते वक्त आप दे सकते हैं उसमें। अभी देखिए इस टाइप का अगर आप बना के एक बार बनाइए दोस्तों, आप मतलब आप भूल नहीं पाओगे इस टाइप की रेसिपी। देखिए अभी फाइनल हो गया प्रोडक्ट, अभी रेडी। अभी ये देखिए पूरा ज़बरदस्त बना है, पूरा अंदर तक मसाला का फ्लेवर गया है, और इस टाइप का जो है उसमें कोई झंझट नहीं है, खाली सब मिला के अभी सीटी मारना है बस। ये देखिए बना के खाइए दोस्तों, और सब्सक्राइब करके जाइए।